नमस्कार आदाब, चैनल 24 से मैं चल चंदा। जैसे कि आप जानते हैं शहर सोलापुर में चैनल 24 का हर जगह सर्विस चालू है। इस वक्त मैं शहर सोलापुर सत्तरपुर मार्केट के पास यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी जस्ट एक मामला सामने आया आधा घंटा पहले, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ के कुछ व्यापारियों को उन्होंने मारा है। वजह क्या है मारने की, आइए उसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मालकार्जुन। आपको पुलिस ने मारा? क्यों मारा, क्या वजह? मारने की वजह, मारने की वजह ये है, हम मार्केट यार्ड से माल लेकर आ रहे, सुपर मार्केट जा रहे थे, उधर वो साफ जा रहे बोले तो कुत्ते जैसा मारे हमको। जैसे कि यहाँ की जो व्यापारी लोगों को है ना, मार्केटिंग के छिप्पा मार्केट में बैठने के लिए शासन से ऑर्डर आया है, तो यार्ड से यहाँ पर माल ला के यहाँ से उन्होंने छिप्पा मार्केट के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने सफा सब मारे। तो आप पूछा नहीं क्यों मारे, तब हमको वहाँ जा रहे हैं? उनको पूछे ना, कहीं को बोले तो हम उन्होंने पूछे सिर्फ कहाँ जा रहे हैं, माल में थोड़ा रख के हम मार्केट को जा रहे हैं, छिप्पा मार्केट को। यहाँ की जनता का ये कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो हाथ उठा रही है, बेदर्दी से मार रही है, कि इनको अथॉरिटी है क्या, ऐसी कोई गाइडलाइंस है क्या कि जनता को पुलिस डिपार्टमेंट मार सकती है? आप देखते हैं छोटे बच्चे को भी उन्होंने मारा है। क्या नाम तेरा बेटा? साहिल। काम आ रहे बताओ पहले, ये आप देख सकते हैं, ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से आई हुई है, आयुक्त की तरफ से आई हुई है, कि जो इस तरह से मार रहा है मासूम बच्चे को मारेंगे? तेरी उम्र क्या है? 15 साल के बच्चे को इस तरह से मार रहे हैं, तो ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से जो जनता को इस तरह से मारना है? भाई और एक बंदा यार, यहाँ देखो, ये देखो, ये बंदा ऑलरेडी अधू है, हाथ का ऑपरेशन हुआ है, उसको किस तरह से खून आए तक मारते हैं, ये पूरा बताओ। ऑलरेडी अधू है, ये हाथ बताओ। चलो, आपको सरकार, आपकी ड्यूटी है, सरकार ने आपको कहा कि यहाँ पर अपनी ड्यूटी करो, मगर इस तरह से जनता को मारने की ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है कि खून आए तक डिपार्टमेंट उनको मार रही है? और एक बात कहा जा रहा है कि तराजू, जो गाड़ियों पर जो तराजू उठा के ले जा रहे हैं, और तराजू जब वापस आप पैसा ले रहे हैं, पोती नहीं दे रहे हैं, और तराजू दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तराजू वापस दे रहे हैं, कि कौन सा गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से? यहाँ की जनता जानना चाहती है, गरीबों को पुलिस डिपार्टमेंट जनता की माए बाप होती है, मगर इनको कौन सा माए बाप है जिस तरह से मासूम 15 साल के बच्चे को इंसान को इस तरह से यहाँ पर मारा जा रहा है, तो कौन सी पुलिस है वो? तो अच्छा, आप लोग इतने सब यहाँ पर मार्केट क्यों लोगे? आप लोगों को मार रहे हो हमको, सबको लकड़ी लेके मारने लगे, बात नहीं लगे, बात करने दे रहे चौकी का, चौकी का बोल रहे था। तो जैसे कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका आपकी ड्यूटी है, तो आपकी जो कार्रवाई करना है, जो दंड जो 500,000 रुपये वो लगाइए, इस तरह से मारने की आपकी अथॉरिटी है, ऐसी कोई गाइडलाइंस है तो यहाँ की जनता जानना चाहती है कि जनता के ऊपर क्यों जुल्म हो रहा है, सरकारी बेचने वालों पर क्यों जुल्म हो रहा है? बड़े बड़े दुकान अभी भी चालू है अशोक चौक पर, आप हम सर्वे करके बताएंगे आपको, बड़े बड़े दुकान अभी भी चालू है, सिर्फ जुल्म किया जा रहा है, तो सिर्फ सरकारी सब्जी मार्केट वालों को। 7 न्यूज़ 24 से मैं चुनाव चलता, और मेरे सहयोगी इलियास भेजा बोले, उसका नाम पुलिस का नाम बताया, यहाँ पे इलियास भाई, यहाँ पे गए तेरे को मारा, ये बच्चे को परसों मारा था, इसको भी मारा था, गाड़ी आप जानती है, यहाँ और एक बंदा है जिसको पुलिस ने मारा है, भाई आपका नाम क्या है? राजू। तुमको पुलिस ने क्यों मारा? छुप्पा मार्केट से खाली गाड़ी घर को जा रहा था मैं, पिट्टी जाकर मारे साहब कई मारे, हम घर को जा रहे बोले तो वैसे मारे चल कर बोला। कितने बजे जा रहे थे तुम छुप्पा मार्केट? मेरा आधे घंटे के नीचे के टाइम क्या हो रहा है? 11 बजे। अभी 11:10 हो रहे हैं, तो आधा घंटा पहले, 11 से पहले, 11 से पहले तुम घर जा रहे थे छुप्पा मार्केट से, अपने घर जा रहे थे, पुलिस वाले ने मारा है, जैसे हमारे पुलिस वाले साहब पहले जा रहे खाली गाड़ी से घर को जा रहा बोले तो चल चल कर मारे उन्होंने। जैसे कि जो साहब जिसने हमको मारा है, उनका SS कमेटी साहब जलूर से है, उन्होंने आज फर्स्ट टाइम यहाँ की उनकी विजिट थी, क्या फर्स्ट टाइम आज विजिट रहने की तरफ से उन्होंने यहाँ की दहशत के लिए उन्होंने मारा है, क्या रियल ऐसा कुछ मामला था? हम जयरोड के पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो यहाँ की जनता जानना चाहती है, ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है जो जनता को खून आए तक, हाथ सूझे तक, अधू आदमी को मारने की ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है, यहाँ की जनता जानना चाहती है।